ब्लास्टिंग इन फायर एरिया और ब्लास्टिंग इन हॉट स्टार्टर, दिस इज नॉट ओनली नेसेसरी फॉर माइनिंग स्टूडेंट्स बट इट इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर माइनिंग इंजीनियर्स बिकॉज सेफ्टी ऑफ मेन आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद दिस टॉपिक. हम ऐसी स्थिति कहां आती है पहले ये पता होना चाहिए. जब हम अंडरग्राउंड डेवलप्ड पिलर्स को ओपन कास्ट मेथड से लेते हैं तो वहां पर हमेशा ऐसी परिस्थिति बनेगी, ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन वैसी ऐसी परिस्थितियां वहां बनती है कि अंडरग्राउंड में कहीं फायर है, ठीक है, और आप ओपन कास्ट मेथड से ले रहे हैं या फायर है, तो उसको ऐसा कोई उपाय नहीं है हमारे पास कि उसको पूरा क्यूज्ड कर दिया जाए और हमको ओपन कास्ट से वर्किंग तो करना ही करना है. या हॉट स्टार्टर है, मान लो कहीं दूर में फायर लगा था, उसको बुझा दिया कोई दूसरा तरीके से, लेकिन स्टार्टर आपका अभी भी हॉट है. तो हॉट स्टार्टर में यदि हम एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां एक्सीडेंट होगा. तो किस टाइप का एक्सप्लोसिव इस्तेमाल करना है, किस टाइप का इनिशिएशन सिस्टम इस्तेमाल करना है, कितने टाइम में हमको ब्लास्टिंग ऑपरेशन को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है, यही सब प्रिकॉशंस को लेकर के डीजीएमएस ने 3 सर्कुलर सर्कुलेट किए, एक 1985, 1990 और 4 2006. ये जो लास्ट में डिजिट बोल रहे हैं वो है आपका ईयर 2006 में, 1990 में और 1985 में. 3 बार माइनिंग इंडस्ट्री को डीजीएमएस के द्वारा कुछ सजेशंस दिए हैं इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर. वही सर्कुलर को हम यहां पर देखेंगे. टॉपिक क्या आपका, ब्लास्टिंग इन फायर एरिया और ब्लास्टिंग इन हॉट स्ट्रटा, ठीक है. आपको 12 पॉइंट पे ध्यान रखना है. एक्सप्लोसिव, किस टाइप का एक्सप्लोसिव आप इस्तेमाल करेंगे, किस टाइप का आप एक्सप्लोसिव इस्तेमाल करेंगे. क्या बोलता है सर्कुलर, ओनली स्लरी एंड इमल्शन एक्सप्लोसिव शैल बी यूज्ड, ठीक है. इनिशिएशन सिस्टम के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, ओनली डिटोनेटिंग फ्यूज. टेम्परेचर ऑफ होल, ब्लास्टिंग ऑफिसर जो रहेंगे आपके वो होल के बॉटम में होल का टेम्परेचर मेजर करेंगे और यदि 80 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर है तो होल को चार्ज नहीं किया जाएगा, ठीक है. फिल्ड विद वाटर एंड सीलिंग ऑफ क्रैक्स, आप इस टाइप के पॉइंट्स बना लीजिएगा और उसके बाद हम इसका पीडीएफ भेज रहे हैं, पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा, ऐसे पॉइंट याद रखिएगा. फिल्ड विद वाटर एंड सीलिंग ऑफ क्रैक्स, जो आप होल किए हैं, गर्म होल ना है जी, तो उसको ठंडा करने के लिए पानी भर दीजिए और पानी भर के ना ठंडा कीजिएगा, ठंडा अपने अपने ना हो जाएगा होल. लेकिन ये क्या बोला, सीलिंग ऑफ क्रैक्स, तो क्रैक्स है होल के अंदर में, क्या घुस के पता कीजिएगा, नहीं, आप पानी भरते हैं ना, यदि पानी होल में नहीं रुका इसका क्या मतलब हुआ कि क्रैक्स है, फिशर्स है होल में. अब क्या करेंगे हम, ये मेरा होल है, क्या है, ब्लास्ट होल है और इसमें क्रैक्स है, तो क्रैक्स होने से क्या होगा, पानी पूरा बह जाएगा. अब एक आपको यहाँ पे लाइनिंग देना होगा होल में, क्या देना होगा, लाइनिंग देना होगा एस्बेस्टोस पाइप का. ये लाइनिंग किसका रहेगा, एस्बेस्टोस पाइप का, क्योंकि ये जलता नहीं है, एस्बेस्टोस पाइप का लाइनिंग दे देंगे. उसके अलावा एक केमिकल आता है बेंटोनाइट, बेंटोनाइट का इस्तेमाल करेंगे सो दैट की क्रैक्स कैन बी सील्ड. ये हो गया डिटोनेटिंग फ्यूज. आपका बताया कि इनिशिएशन सिस्टम के लिए आपको डिटोनेटिंग फ्यूज इस्तेमाल करना है, तो उसको गर्म सतह के ऊपर नहीं बिछा देना है, कहां पे रखना है, डिटोनेटिंग फ्यूज शैल बी लेड ऑन वेट आर सेचुरेटेड सेंट, ठीक है, नॉट ऑन द हॉट सरफेस.
सिंपल सिंपल भाषा में हम आपको पीडीएफ भेज रहे, देख लीजिएगा। ब्लास्टिंग ऑपरेशन शैल बी कैरिड आउट विद इन 2 आवर्स, चार्जिंग एंड ब्लास्टिंग, चार्जिंग एंड फायरिंग टोटल प्रोसेस शैल बी कैरिड आउट विद इन 2 आवर्स। ब्लास्टिंग शैल बी डन अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ असिस्टेंट मैनेजर। अब आप बोले हैं कि आप इनिशिएशन के लिए क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, डीएफ। डीएफ मीन्स डिटोनेटिंग फ्यूज। तो आप क्या कीजिएगा, सरफेस पर एक डिटोनेटर बांधना है और उसको डिटोनेटिंग फ्यूज से कनेक्ट कर देना है, लेकिन डिटोनेटर होल के अंदर नहीं डालेंगे। गर्म होल है, यदि डिटोनेटर डाल दिया वैसे ही ब्लास्ट हो जाएगा, सब खत्म वहीं पे, ठीक है। डिटोनेटर नॉट प्लेस विद इन द होल्स। स्लीपिंग होल का परमिशन हॉट स्टार्टा में नहीं रहता। देखिए यही लिखा है, स्लीपिंग होल्स नॉट परमिटेड। पीडीएफ भेज रहा, पीडीएफ में सब खत्म तो लाइन में लिखा हुआ है। आपको जो भी कास्ट बूस्टर आप इस्तेमाल करेंगे वो पीटीएन और टीएनटी वाले कास्ट बूस्टर नहीं रहेंगे। नो पीटीएन और टीएनटी कास्ट बूस्टर शैल बी यूज्ड इन अ हॉट स्टार्टअप फॉर ब्लास्टिंग। अब बाकी जगह क्या करते हैं, बॉटम इनिशिएशन करते हैं, डाउन द होल करते हैं, बट इसमें आपको टॉप इनिशिएशन करना है, ठीक है। और जो भी आपका फ्रेश होल है उसको प्लग कर देना है, ढक के रख देना है। यदि ज्यादा गर्म नहीं है तो ढक के रख देना, ताकि हवा यदि उसके अंदर जाएगा तो कोयला में स्पॉन्डिसिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट है कि आपके जितने भी एक्सप्लोसिव एसेसरीज है, डिटोनेटिंग फ्यूज है, डिटोनेटर है, एक्सप्लोसिव है, वो टेम्परेचर और इम्पैक्ट के लिए सेंसिटिविटी का टेस्ट करना होगा, और वो नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल इम्पैक्ट पर डिटोनेट नहीं होना चाहिए। उस टाइप का आपको इस्तेमाल करना है। इतना ही है ब्लास्टिंग इन फायर एरिया और ब्लास्टिंग इन हॉट स्टार। सिंपल साइम बहुत सिंपल सिंपल इंग्लिश में लिखे हैं, थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा, पीडीएफ भेज रहे हैं।